हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आज है शबे बारात, तो आज मैं शबे बारात स्पेशल बेसन का हलवा बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे शबे बारात पर हम दाल का हलवा भी बना सकते हैं, चने की दाल का हलवा भी बनता है, सूजी का भी बनता है, बट मैं आज बेसन का हलवा बनाने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं बनाती हूँ और सही बनता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है उसे बनाना। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की है कि वो परफेक्ट बन जाए। चलिए तो देखते हैं, और बस आप लोग इस तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सो हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेसन और घी फ्रेश लिया है, ये कोकोनट क्रश कर लिया है, शुगर ले ली है, यही सब बेसन के हलवे में डलता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट मैंने ले लिए हैं। तो ये मैं पूरा हाफ के जी का डाल दूंगी इसमें, उतना ही मैंने घी ले लिया है। तो ये इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम ये डाल देंगे इसमें। हाँ, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे बेसन। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चलाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है, जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। चलाते रहना ही, वरना ये जल जाएगा, और एकदम स्लो फ्लेम पर। तो ये सबसे मेहनत का काम यही लगता है। तो इसको चारों तरफ से भी ऐसा करते रहिए। और अब मैं यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार करूँगी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर बेसन था उतनी ही मैंने शुगर ले ली है। उसके बाद यहाँ पर आधा गिलास पानी ले लेंगे, जितनी शुगर होती है उसका हाफ गिलास पानी लेते हैं। तो मैंने ये पानी ले लिया है, और इसके बाद बस हम इसकी एक तरह की चाशनी बनाएंगे। सो चाशनी यहाँ पर ये शुगर मेल्ट हो रही है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं मुझे पसंद है फूड कलर, तो मैं ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड करूँगी। और अब इलायची ले ली है मैंने, और इलायची को भी मैं इसका अच्छा सा पाउडर बना लूँगी, क्योंकि पाउडर इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लाइट ब्राउन करना है उसके बाद, जब तक मैंने ये चाशनी भी रख दी है बनने के लिए। फिर हम प्लेट्स को भी ग्रीस कर लेंगे घी से, और तब तक इसको कंटिन्यूसली चलाना है। तो काफ़ी टफ है बनाना, बेसन नहीं तो जरा में लग जाता है। तो बस बनाते चलते हैं। बस ठीक है, अब ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम कट किए हैं, और मुझे कोकोनट पसंद है तो मैंने वो किया। हो गई है
चाशनी भी जैसे मुझे चाहिए थी वैसी हो गई है। एक तार की चाहिए थी थोड़ा, और इसको मैं 5 मिनट के लिए होने दूंगी, उसके बाद बस। और इस बहुत रिस्की है ये। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये इसमें चाशनी डाल दी है, उसके बाद अब इसे कंटिन्यूसली चलाना है एकदम स्लो फ्लेम पर। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया चालू गैस को, और अब इसे अब इसको कम से कम आधे घंटे तक चलाना है, जब तक कि ये बिल्कुल टाइट ना हो जाए हलवा। तो अब सबसे मेहनत का काम अभी है। सो गाइस देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये अच्छी तरह से पक चुका है, पर फिर भी मुझे दिल में क्या लग रहा है कि कहीं कच्चा ना रह जाए, तो मैंने इसको और ज़्यादा पका दिया। मुझे लगता है थोड़ा सा इसी वजह से ये हल्का सा हार्ड हो गया था, और इसमें ये देखिए शायद मैंने घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, तो घी इसने बहुत सारा छोड़ दिया है, तो मैं इसमें से एक्स्ट्रा घी है वो मैं हटा दूँगी, काफ़ी ज़्यादा डल गया। और बस अभी ऑलमोस्ट होने में ही है, बहुत मेहनत लगती है इस स्टेज पर, इसको चलाने में चल ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया भाई। शबे भारत का हलवा ऐसे ही नहीं बनता। और अब मैं यहाँ पर प्लेट को ग्रीस कर लूँगी घी से, जिससे कि नीचे हलवा जब हम इसमें सेट करेंगे तो उसे निकालने में दिक्कत ना हो। तो पहले अच्छी तरह से घी इसमें मैंने लगा दिया है, उसके बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें नीचे भी डाल दूँगी, और फिर ऊपर से उसकी कोटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए घी अच्छी तरह से लग गया है। इसके अब इसमें कोकोनट स्प्रेड कर दूँगी मैं पूरा अच्छे से, और मुझे ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है कोकोनट के, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालूँगी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी बादाम की गार्निशिंग कर दूँगी, क्योंकि मैंने बादाम और कोकोनट ही स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया वही डाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और इसके बाद बस अब ये है हलवा, और अब मैं इसको थाली में सेट करने के लिए रख दूंगी। तो ये और ये देखिए फाइनली हलवा सेट होने के लिए रेडी है, और सब कुछ मैंने कर दिया है इसमें, ऊपर से गार्निशिंग भी अब इसमें कर दूंगी। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस कट कर देंगे। तो अभी मैं इसमें ये सेट कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है कुकर, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें ऑयल, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी। ये मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है, ये कुछ खड़े स्पाइसेस हैं यहाँ पर, तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं ये प्याज वगैरह इसमें मिक्स करके और सब्ज़ी तैयारी कर
ऊपर आई तो इतनी ज़्यादा आंधी और तूफान आ गए, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो मैंने सोचा मैं खाना वगैरह बनाकर फ्री हुई, फिर भी ऐसा लगता है कि हल्का सा हार्ड हो गया, पता नहीं क्यों, शायद मैंने इसे ज़्यादा सेक दिया, बट खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है नेक्स्ट डे और अब मैं ब्लॉग को ऐड कर देती हूँ। रात को मैंने इबादत वगैरह की, रात को उसके बाद ब्लॉग वगैरह करने की हिम्मत नहीं थी, सारे टाइम में वही मैं उसी में बिजी थी। उसके बाद फिर अब काम, सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग को ऐड कर देती हूँ। सो बस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।